रात के 11:30 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे यात्री भागलपुर एक्सप्रेस के आने का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन के आने की सही टाइमिंग 8:30 बजे थी, लेकिन ट्रेन पूरे 3 घंटे लेट चल रही थी। तभी भागलपुर एक्सप्रेस के आने की सूचना हुई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भागलपुर एक्सप्रेस के आने की सूचना हो गई। वो कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। कुछ देर बाद ट्रेन आई। ओह, बहुत झिला दिया भाई आज भागलपुर एक्सप्रेस ने, लेकिन चलो आ तो गई। सभी यात्री ट्रेन में सवार हो गए। कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन अपनी गति से मंजिल की ओर चल पड़ी। रात अब और भी गहरी हो गई थी। मनमोहन जो कि एक ट्रेन ड्राइवर था, मुस्तैदी से ट्रेन चला रहा था। उसका असिस्टेंट विकास भी उसके साथ था। विकास, आज तो धुंध ने परेशान कर दिया है। ट्रेन 3 घंटे लेट चल रही है। भागलपुर पहुंचते पता नहीं और कितनी देर हो जाए। मनमोहन विकास से बातें कर रहा था और ट्रेन भी अपनी रफ्तार से बढ़ी जा रही थी। अचानक मनमोहन ने पटरी पर जो देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। एक औरत जंजीरों में बंधी हुई ट्रेन की पटरी पर लेटी हुई थी। उसके बगल में ही 5 या 6 साल की एक बच्ची बैठी हुई थी और वो लगातार रोई जा रही थी। हे भगवान, ये औरत कहाँ से आ गई? इसे पटरी के बीचों बीच किसने जंजीरों में बांध रखा है? और ये बच्ची कौन है? मनमोहन की बात सुनकर विकास ने भी पटरी की ओर देखा, लेकिन उसे पटरी पर कोई नहीं दिखा। क्या हुआ मनमोहन सर, किस औरत को देख लिया आपने पटरी पर? सामने तो कोई भी नहीं है। विकास, ठीक से देखो, आगे देखो। वो बेचारी औरत पटरी पर लेटी है, उसे किसी ने जंजीरों से बांध दिया है। लेकिन विकास को कोई भी औरत पटरी के आगे दिखाई नहीं दी, जबकि मनमोहन साफ तौर पर उस औरत को देख सकता था। ट्रेन पूरी स्पीड में उसकी ओर बढ़ी जा रही थी। ओह, काश ये हमारी ट्रेन से बच पाती। पल में ही ट्रेन उस औरत को रौंदती हुई निकल गई। मनमोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और ट्रेन की खिड़की से झांक कर पीछे की ओर देखा, तो उसने देखा कि वो औरत पूरी तरह से घायल हो गई है। उसके शरीर के कई हिस्सों से खून बह रहा है और वो मनमोहन की ओर घूरते हुए देख रही है और उससे कह रही है, मारा जाएगा तू। तूने भी ट्रेन को नहीं रोका ना मेरे लिए, मैं मर गई ना। तू हत्यारा है मेरा, तूने मेरी बच्ची को भी अनाथ कर दिया, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये कहकर चुड़ैल ने वही पटरी किनारे रखा एक पत्थर उठाया और मनमोहन की ओर उछाल दिया। पत्थर उसके सिर में लगा, तुरंत ही उसके सिर से खून बहने लगा और मनमोहन बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो रेलवे के अस्पताल में था। उसका असिस्टेंट विकास उसकी बगल में बैठा हुआ था। सर, अब आप कैसे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपके सिर पर पत्थर से किसने मारा। अरे तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि ये पत्थर उसी औरत ने मारा है जो हमारी गाड़ी के नीचे आई थी। सर, आप कल से एक ही बात दोहरा रहे हैं। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि हमारी ट्रेन की चपेट में कोई नहीं आया है? मनमोहन को विकास की बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि ट्रेन के आगे एक औरत बंधी हुई थी और एक बच्ची उसके बगल में थी। बहरहाल 3-4 दिन अस्पताल में रहने के बाद वो घर आ गया, लेकिन उसी रात की बात है। जब वो रात को सो रहा था तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी खिड़की को खटखटा रहा है। ये तो खिड़की, मेरी खिड़की खटखटाने की आवाज है, लेकिन इतनी रात को खिड़की कौन खटखटा रहा है? मनमोहन बिस्तर से उठा और उसने खिड़की खोली। तभी हवा का एक तेज झोंका भीतर आया। हवा के कारण ये आवाज आ रही थी। कितनी ठंडी है ये हवा। मनमोहन तुरंत ही खिड़की बंद करने लगा। तभी उसकी नजर घर के बाहर सड़क पर खड़ी एक औरत पर गई। उस औरत का चेहरा देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। ये तो वही औरत है, ये यहाँ कैसे आ गई? ये मेरा पीछा क्यों कर रही है? मनमोहन ने देखा कि वो औरत उसी तरह उसे घूर रही है और कह रही है, मारा जाएगा तू। तूने भी ट्रेन को नहीं रोका ना मेरे लिए, मैं मर गई ना। तू हत्यारा है मेरा, तूने मेरी बच्ची को भी अनाथ कर दिया, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मनमोहन काफी डर गया था। उसने खिड़की बंद की और बिस्तर पर आ गया। उसने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वो पूरी रात यही सोचता रहा कि कौन है वो औरत, वो मुझे धमकी क्यों दे रही है, क्या बिगाड़ा है मैंने उसका। 2-3 दिन मनमोहन के साथ रात को यही घटना हुई। वो बेचारा बहुत परेशान हो गया था, उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग फट जाएगा। 4th दिन की बात है, रात का समय था और हर दिन की तरह उसके साथ वही घटना घटी। लेकिन आज वो डरा नहीं, उसने अपने हाथ में टॉर्च लिया और उस औरत को आवाज देता हुआ उसके पीछे भागा। ओ, कौन हो तुम, क्यों तुम मुझे परेशान कर रही हो? मनमोहन उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद वो औरत दौड़ने लगी, मनमोहन भी उसके पीछे दौड़ने लगा।
फिर वो औरत उड़ने लगी। मनमोहन दौड़ता हुआ उसका पीछा करता रहा। उस औरत का पीछा करते करते मनमोहन पटरी के उसी स्थान पर पहुंच गया जहां उसने पहली बार उस औरत को जंजीर में बंधा देखा था। आज भी जब वो उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो औरत उसी तरह पटरी पर जंजीरों से बंधी हुई है और उसके बगल में एक बच्ची रो रही है। वो भागा भागा उसके पास गया और कहा, कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ किसने बांधा है? और अगर तुम यहाँ बंधी हो तो मेरे घर के पास वो कौन औरत है जिसका पीछा करते करते मैं यहाँ आया हूँ? वो ये बोल ही रहा था कि तभी उस औरत के पास बैठी वो बच्ची जिसका नाम चंपा था, वो रोने लगी और उसने कहा, अंकल ये मेरी माँ है। तुम्हारी माँ? लेकिन इसे यहाँ इस तरह किसने बांधा है? पांडे चाचा ने। चंपा की माँ रुक्मणी एक सीधी साधी औरत थी। चंपा के पिता का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। रुक्मणी का छोटा सा खेत था जिसमें वो सब्जियां उगाती और उसी से अपने परिवार का लालन पालन करती, लेकिन उनकी उस छोटी सी जमीन पर पांडे चाचा और उनकी पत्नी की नजर थी। पांडे चाचा चंपा के पिता के सगे भाई थे, लेकिन जमीन के लालच में उन्होंने सारे रिश्ते नाते को भुला दिया था। लेकिन इस बात की जरा भी खबर रुक्मणी और चंपा को नहीं थी, वो तो उन्हें अपना मानते थे। मुझे किसी भी तरह से ये जमीन चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे इस रुक्मणी को ऊपर ही क्यों ना पहुंचाना पड़े। जानते हैं जी, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, ऐसा बड़े बुजुर्गों ने कहा है। वो दोनों रुक्मणी को मारने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगे। कभी उन्होंने उसे तालाब में धक्का दे दिया तो कभी उसके घर में आग लगा दी, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो हर बार बच गई। पता नहीं इस औरत ने कौन सा अमृत पी रखा है, हमने इतनी कोशिश की लेकिन ये हर बार बच जाती है। तंग आकर दोनों ने एक और भयानक प्लान बनाया और उसे बहलाकर रेल की पटरी के पास ले गए। फिर पांडे चाचा की पत्नी ने पीछे से उसके सिर पर वार कर दिया, वो बेचारी बेहोश हो गई। फिर उन्होंने उसे जंजीरों में बांधा और उसे पटरी के बीच लिटा दिया। चल अब निकल यहाँ से, थोड़ी देर में ट्रेन आएगी और फिर इसका कट जाएगा ऊपर का टिकट। उन्होंने रुक्मणी को पटरी पर बांध तो दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस बार उनकी सारी हरकत चंपा ने देख ली है और वो इनके पीछे पीछे छिप कर आ गई है। जब वे दोनों चले गए तो चंपा अपनी माँ के पास भागी भागी आई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ आँखें खोलो, माँ आँखें खोलो। तभी उसे पटरी पर दूर से ट्रेन आती हुई दिखी। ट्रेन की आवाज से रुक्मणी को होश आ गया और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि चंपा उसके बगल में बैठी रो रही है और एक ट्रेन पूरी स्पीड में उसकी ओर आ रही है। हे भगवान, क्या करूं मैं? उसने ट्रेन को हाथ देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन इतनी स्पीड में कहां रुकती है। रुक्मणी को अपनी मौत दिख रही थी, लेकिन वो अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो उसे किसी तरह पटरी से हटाना चाह रही थी। लेकिन चंपा अपनी माँ को छोड़कर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। चंपा भाग, भाग यहाँ से, नहीं तो। लेकिन पल में सब खत्म हो गया। दोनों उस ट्रेन की चपेट में आ गए। इस घटना को 2 साल हो गए थे, लेकिन अब भी उन दोनों की आत्मा उस पटरी पर चलने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखाई देती थी। मनमोहन को भी उस दिन उनकी आत्मा दिखाई दी थी। लेकिन मैंने तो तुम लोगों को नहीं मारा, तो तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रही हो? हम भटकते भटकते थक गए हैं, हम उस पांडे और उसकी पत्नी को सजा दिलवाना चाहते हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? क्या तुम पुलिस को सारी सच्चाई बताओगे? मनमोहन ने पुलिस को सारी घटना बताई। पुलिस ने पांडे और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उस दिन के बाद उस रूट पर वो चुड़ैल किसी को दिखाई नहीं दी।